शहर में संचालित हो रहे ई रिक्शा चालकों ने ऑटो स्टैंड की मांग की है। बुधवार को ई रिक्शा चालक एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां सवारियां बिठाने के लिए अलग से ई रिक्शा स्टैंड घोषित करने की मांग की है। जितेंद्र गोखले, महेश सोनगर, ओम गुप्ता ने बताया कि शहर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ई रिक्शा संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या बड़ी है, लोग इसमें सफर भी कर रहे हैं, लेकिन स्थायी स्टैंड नहीं होने से सवारियों को ई रिक्शा लेने में समस्या हो रही है। शहर के प्रमुख मार्गों पर ई रिक्शा स्टैंड घोषित किया जाता है तो सवारियां बिठाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जी हाँ, हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है ई रिक्शा स्टैंड के लिए। पर्यावरण मुक्त है सर, तो हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम चलाएं और हमें स्टैंड दिया जाए। हम नागरिकों को सुविधा अच्छी प्रदान कर रहे हैं सर। कितने ऑटो रिक्शा आपने आप? जी अभी सर 16-17 ऑटो है और अभी आगे फाइल लगी हुई है बैंकों में। अभी क्या परेशानी आ रही है आप? सर हमें क्या स्टैंड नहीं है तो सर हमें ये परेशानी हो रही है कि सवारी नहीं मिल पाती ना सर। स्टैंड पर काफ़ी सवारी मिलती है सर। तो आपको एक नियमित स्टैंड चाहिए मतलब? जी जी, एक स्टैंड होगा तो सवारी सर आ जाएगी। तो आपको क्या खड़े रहने नहीं देते कोई? नहीं नहीं सर, खड़े नहीं रहने देते। उनके काफ़ी भगाते हैं वो कि भाई हमारे डीजल के ना। क्या नाम लिखते हो आप? जी मैं जितेंद्र गोखले लिखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।